देश और प्रदेश के कई अलग अलग अदालतों में सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और उसके लिए स्पेशल फोर्स को भी चुना गया है। बता दें कि कानपुर में 150 UPSSF के जवानों की एक बटालियन को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। स्पेशल फोर्स की ये टुकड़ी कानपुर कोर्ट पहुंची, जिसमें 100 जवान शामिल हैं। बता दें कि इसमें 20 महिला और 80 पुरुष जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा 50 अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। बता दें कि अलग रंग अलग ढंग में दिखाई दे रहे स्पेशल फोर्स के जवानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायालय की सुरक्षा अब किस तरह और कितनी मुस्तैदी से होगी। न्यायालय की सुरक्षा को लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं और इस स्पेशल फोर्स के अधिकारी राम सुरेश ने बताया कि कोर्ट की सुरक्षा के चलते वो उनकी टीम को कानपुर भेजा गया है। UPSSF ने कानपुर कोर्ट की सुरक्षा की कमांड संभाल ली। हमारे साथ बात करने के लिए नोडल अधिकारी राम सुरेश जी। राम सुरेश जी, किस तरह से UPSSF काम करेगी कानपुर कोर्ट में सुरक्षा? ये UPSSF का गठन शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और एक अलग प्रशिक्षित और ट्रेंड बल का गठन किया है। इसके पहले हम लोग कई और जनपदों में न्यायालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आज कानपुर जनपद न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था हम लोग संभाल रहे हैं। हम लोग प्रयास ये करेंगे अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी ड्यूटी से कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, साथ ही साथ किसी तरह की कोई असुविधा किसी पब्लिक के आदमी को या माननीय जज साहबान को या वकील को किसी को असुविधा ना हो। सर, कितने जवान तैनात किए गए आज? संख्या लगभग 150 की है, लेकिन फिलहाल अभी 100 आदमी के आसपास हैं आज यहाँ। कल से इनकी ड्यूटियाँ शुरू होंगी। सर, क्या ये कानपुर और कानपुर के अलावा कोर्ट में जो इस तरह की घटनाएं होती थी उसको देखते हुए ये आदेश कोर्ट ने जारी किया है? देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा एक मतलब निरंतर प्रक्रिया है जो अच्छी होती रहे, तो उसी के तहत शासन ने ये निर्णय लिया है। तो हमें नहीं लगता कि आगे कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी। महिला जवान कितनी है सर, बता दो? अब वो संख्या भी तो ड्यूटी वाइज अलग अलग है, वो डे वाइज जो ड्यूटी वाइज अलग अलग है, डे टाइम पे ज़्यादा संख्या रहेगी और ऑफ टाइम पे कम रहेगी। लगभग 20 के आसपास महिला जवान की संख्या रहेगी। आप नोडल अधिकारी राम सुरेश हैं, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि कानपुर कोर्ट की सुरक्षा जो है अब UPSSF के हवाले कर दी गई है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए UPSSF के जवान को भी सतर्क रखा जाएगा। वहीं एडिशनल SP हरिश्चंद्र ने इस स्पेशल फोर्स का स्वागत किया है और कानपुर के कोर्ट परिसर में उन्हें ले जाकर उनके सभी प्रमुख पॉइंट और स्थानों से रूबरू भी कराया है। उनका कहना है कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और उनकी सुरक्षा के जो भी फीडबैक आ रहे थे वो बहुत अच्छे हैं। कानपुर कचहरी की सुरक्षा आप UPSSF करेगी, हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल CP हरिश्चंद्र जी। सर, UPSSF अब सुरक्षा करेगी, किस तरह से ये कार्य करेगी? UPSSF एक ट्रेंड जो है वो फोर्स है जो स्पेशली जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जिसमें मेट्रो है, जिसमें हमारी न्यायालय परिसर है, इनको जो है वो सुरक्षित रखने के लिए इसको तैयार किया गया है। और ऑनरेबल हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार ने जो है ये दिशा निर्देश दिए थे कि धीरे धीरे जो बड़े न्यायालय हमारे वहाँ पे जो है वो SSF को तैनात किया जाए। उसी क्रम में कानपुर को जो है वो SSF के द्वारा जो है सुसज्जित किया गया है। आज जो है वो चार्ज लेंगे और ऑलरेडी उनका एरिया फेमिलाइजेशन और ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठकें हो चुकी हैं। तो आज जो है वो उनकी पहली नफरी जो है वो न्यायालय परिसर में डिप्लॉय होगी और उसके साथ जो हमारी UP पुलिस की जो कानपुर पुलिस की टुकड़ियाँ हैं वो उनको एक्स्ट्रा बैकअप देंगी। सर, क्या कानपुर पुलिस का कचहरी में फिर कोई हस्तक्षेप रहेगा सुरक्षा की अगर बात है? ये देखिए, प्रोफेशनल जो है वो सिक्योरिटी होती है, जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा, एयरपोर्ट्स में देखा होगा, उनकी अपनी सेट ड्रिल है और उनकी कोई और ड्यूटी नहीं रहती है। स्टेट पुलिस को और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसी क्रम में ये हुआ है कि बहुत प्रोफेशनली जो हैंडल करने वाली एजेंसी हो उसको ही दिया जाए, तो उसी के आधार पर इनको दिया गया। एडिशनल CP ने बताया इस बात को लेकर कि UPSSF अब कानपुर कोर्ट समेत मेट्रो है उसकी भी सुरक्षा करेगी। वहीं कानपुर पुलिस के पास भी बताया कि बहुत सारे काम हैं, इसलिए प्रोफेशनल और ट्रेंड पुलिस कर्मियों को UPSSF में लगाया गया है ताकि कोर्ट की सुरक्षा की जा सके। वीडियो विक्रम के साथ नितिन दीक्षित, GMB News कानपुर।